जब परमेश्वर के दास दुखियों बीमारों के लिए प्रार्थना कर रहे थे और उस दिन बहुत सारे लोग थे जिन्होंने अपना फॉर्म फिल कराया था और उनके लिए लेहन थी, पर जैसे ही परमेश्वर के दास दुखियों बीमारों के लिए प्रार्थना कर रहे थे तो परमेश्वर के दास को परमेश्वर ने अगुवाई की, आज सबके लिए लेहन होगी। शाम को जब चेक कराने गया अपन एक डॉक्टर को खड़िया में डॉक्टर दे रखे थे, कहता तू इसके से परमात्मा मानते रहे, मैं भी हम परमेश्वर के सिर मानते अंदा भरा बहुत महान है, ये अंदा कुछ भी हो सकता है, लखा रुपये लग जाते हैं ये जोड़ नहीं सकता। देख लो लाखों भी अगर लगते तो इसका कोई हल नहीं हो सकता, जो हल किसने इसका कर दिया? परमेश्वर। इस ब्रदर जी का नाम चाने और छे मोदल पठे के रहने वाले हैं और इस ब्रदर जी के बेटे की गवाही है। दो हफ्ते पहले जब बता रही कि जब जे संडे की मीटिंग को इन्होंने अटेंड किया तो जब जे अपने घर गए तो जो इनका बेटा है वो बच्चों के साथ खेल रहा था, तो जे बता रही है कि जैसे जे खेल रहा था तो इसके जो बाथरूम का अंग है उसमें डोर फिर गई थी, समय इसने निक्कर पहनी थी, तो जे बता रहे हैं कि जो डोर फिरी तो वो काफ़ी गहरी थी जिसके कारण इसके बाथरूम के जो अंग था उसमें कट लग गया था, और जैसे जब जे डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने कहा कि उसी समय उसने इनको पूछा कि आप किस परमात्मा को जानते हो, किस परमात्मा पर विश्वास करते हो, तो जब इन्होंने बताया कि प्रभु यीशु मसीह पर, तो उन्होंने कहा कि सच में उस खुदा ने आपके बेटे को बचा लिया, अगर जो प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाती तो इसका ऑपरेट भी हो जाता तो फिर भी जो प्रॉब्लम सही नहीं होनी थी, बहुत आगे जाकर इसको प्रॉब्लम आ सकती थी, और जैसे जख्म काफ़ी गहरा था, काफ़ी गहरा लग गया था, तो उसने कहा कि उसने कुछ मेडिसिन दी पर इन्होंने परमेश्वर के आगे फिर इसके लिए प्रार्थना की कि परमेश्वर आप इसके कट को जोड़ चुके हो और अच्छा कर चुके हो। और जैसे जब जे ब्रदर जी इस थर्सडे की मीटिंग में आए तो जे बता रहे हैं कि जब परमेश्वर के दास दुखियों बीमारों के लिए प्रार्थना कर रहे थे और उस दिन बहुत सारे लोग थे जिन्होंने अपना फॉर्म फिल कराया था और उनके लिए लेहन थी, पर जैसे ही परमेश्वर के दास दुखियों बीमारों के लिए प्रार्थना कर रहे थे तो परमेश्वर के दास को परमेश्वर ने अगुवाई की, आज सबके लिए लेहन होगी। और जैसे ही सबके लिए लेहन हो रही थी तो जब इनके लिए जब इस ब्रदर जी के लिए भी लेहन हुई, पहले हम उस वीडियो क्लिप को देखेंगे। Name of Jesus. Right now. हमने देखा कि इस ब्रदर पर जब ले एंड हो रही थी तो उस समय इनका जो बेटा था वो सोया था, तो इनके मन में था कि मेरे बेटे के लिए भी ले एंड हो तो जो इसकी प्रॉब्लम है, जो इसके बाथरूम के अंग में कट लग गया वो अच्छा हो जाएगा, पर उसी समय इनके मन में आते कि जो मैं इसके लिए तो मैं परमेश्वर के दास के साथ बात नहीं कर सकता क्योंकि बात तो बहुत लंबी है और इतना टाइम नहीं है मेरे पास, तो उसी समय इन्होंने परमेश्वर के आगे प्रार्थना की कि परमेश्वर मेरी चाहत है कि मेरे बेटे के लिए भी ले एंड हो, पर जो सोया इनका बेटा सोया था तो इन्होंने प्रार्थना की कि मेरे ऊपर फिर से जब ले एंड होगी तो मैं विश्वास करूंगा कि मेरे बेटे के लिए ले एंड हो गई है। और जैसे इन्होंने इसके विषय के लिए परमेश्वर के आगे प्रार्थना की तो परमेश्वर ने अपने दास को फिर अगुवाई की, तो फिर से इनके लिए सेकंड बार ले एंड हुई। अभी हम फिर उस वीडियो क्लिप को भी देखेंगे। नेम ऑफ जीसस, हील हो जाओ, चंगे हो जाओ। मैंने कहा तो जैसे सेकंड बार इनके लिए लैंड हुई तो उसी समय जो इनका विश्वास था, इन्होंने परमेश्वर के दास को ना टीम को भी कुछ नहीं बताया था पर इन्होंने परमेश्वर से मांगा था, तो परमेश्वर ने अगुवाई की और दो बार इनके लिए लैंड हुई और उसी दिन ही परमेश्वर की ग्रेस ने इस बच्चे को छुआ और उसके जो बाथरूम के अंग पर कट लग गया था उसी दिन ही जुड़ गया, जो कि जो डॉक्टर के पास इनको दो तीन दिन जो लगातार जाते रहे पर वो कट जुड़ नहीं रहा था, मेडिसिन भी दे रहे थे पर परमेश्वर की ग्रेस से वो कट आज बिल्कुल जुड़ गया, जख्म सूख चुका है और आज कोई प्रॉब्लम नहीं है, और इस बड़ी प्रॉब्लम से आज परमेश्वर ने इस बच्चे को पूरी तरह से आज़ाद कर दिया है। अभी हम देख भी सकते हैं। दिखाओ। तो इसके कहां पे ये था? ये ऊपर लग गया था पूरा, अब तो नहीं है ना? जूम करो, थोड़ा सा जूम करो कैमरा। हाँ ठीक है, ओके, ऊपर लगा था पूरा, है ना कट? ठीक है,
ठीक है, अब दिखाओ इसे पूरा अच्छे से। तो सुनो, ध्यान से सुनो, हो सकता है ये कईयों को इस गवाही की कम समझ आई होगा, ध्यान से सुनो। जब ये थर्सडे, मैंने सबसे पहले बोला था कि ये थर्सडे और संडे ये बहुत स्पेशल मीटिंग है, तो मैंने स्पेशली आप लोगों को बोला था कि इसे मिस मत करना। बस परमेश्वर मुझे बोलते तो मैं बोल देता। सुनो, उस दिन सिर्फ लेहन सिर्फ उन लोगों की थी जिन्होंने अपने फॉर्म फिल किए थे। पर मैं जैसे ही यहाँ पे जब मैं प्रार्थना कर रहा था तो खुदावन का रूह मुझे कह रहा था कि आज सब पर ले हैंड कर दी। क्या कर दी? और सुनो, ध्यान से सुनो, जब मैं ले हैंड करने के लिए गया तो जब मैंने इनके ऊपर ले हैंड की तो ये चाहते थे कि मेरे बच्चे पर भी ले हैंड हो, क्योंकि इन्होंने ना तो टीम को ना बताया, ना कुछ बताया कि ये हमारी प्रॉब्लम है, हमने ले हैंड करवानी है या कुछ है। तो इनका बच्चा तब सोया हुआ था, इन पर तो ले हैंड होगी। अब मैं सब पर ले हैंड कर रहा था तो ये आप अपने मन में सोच रहे थे कि अब मैं इतनी जल्दी इन्हें सब कुछ कैसा कैसे बताऊं कि मेरे बच्चे की ये प्रॉब्लम है। बोलो क्या है? मेरे बच्चे की ये प्रॉब्लम है, मैं कैसे ये सब कुछ ऐसे बताऊं। पर इन्होंने मन में ही ऐसे खड़े खड़े सोचा कि परमेश्वर आप मेरे बच्चे पर भी ले हैंड, खड़े खड़े मांगा परमेश्वर से उसी समय के आप मेरे पे। जब मैं ले हैंड इन पर करके निकल गया था, मैं तो आगे निकल गया ले हैंड करके, पर मुझे परमेश्वर फिर से वापस में आया और मैंने सेकंड बार दोबारा इन पर ले हैंड की। क्या की? क्योंकि इन्होंने मांगा और उसी दिन परमेश्वर ने जो कट था, जो डॉक्टर ने कहा था कि हाँ तुम किसको मानते हो, जिनका मसीह में, वो कहता है कि जहां पर कट लगा इसकी अगर नाड़ी वो कट जाती, बच्चे की अगर ऑपरेशन भी करा लेते तो सारी उम्र ये बस क्या रहता। समझ आ रही मेरी? तो उसका भी कोई फायदा, ये सारी उम्र बस फिर क्या हो जाना था इसका। पर परमेश्वर महान है, वो ध्यानवान है, जिस पर आप विश्वास करते हो उसे पता है। बोलो क्या है? उसे पता है। तो उसी दिन ही, हाँ हाँ इनको माइक तो थोड़ा, उसी दिन क्या हो गया है माइक की आवाज में? पहले कट जुड़ नहीं रहा था, चेक भी कराउंड यहाँ पर नहीं जुड़ रहा। माइक पास रखो। और जिस दिन फिर आप थर्सडे की मीटिंग है, वीरवार की मीटिंग में आई, गया शाम नो चेक, शाम को जो चेक कराने गया अपन इन डॉक्टर को खड़िया, मैं डॉक्टर देख के तो कहता भी तू इस किस परमात्मा मानते जो मैं भी हम अभी परमेश्वर यीशु मसीह मानते कहता भरा वो बहुत महान है, कहता कुछ भी हो सकता है, लखा रुपये लग जाते तो ये जुड़ नहीं सकता। देख लो, लाखों भी अगर लगते तो इसका कोई हल नहीं हो सकता। जो हल किसने इसका कर दिया? परमेश्वर ने। ये इसके सुसु पर ऊपर पूरा मतलब क्या लग गया ना, समझ आ रही मेरी? समझ आ रही है? इसकी सुसु के ऊपर पूरा क्या लग गया था, कट लग गया, मतलब गहरा बन गया था। और परमेश्वर ने पहले तो वो मेडिसिन से भी नहीं, ट्यूब भी लगा रहे होंगे कोई, हाँ जी हाँ, उससे भी हल नहीं हो रहा। पर जैसे ही ये वीरवार की मीटिंग में आए और इन पर तो ले हैंड हुई, पर जब इन्होंने खड़े खड़े इन्होंने कहा मैं अब कैसे सारा कुछ इतनी जल्दी बताऊं, तो इन्होंने मन से ऐसे परमेश्वर से मांगा कि आप मेरे बच्चे पर भी, अब मैं वापस आया फिर दूसरी बार इन पर ले हैंड। अभी अपने वीडियो क्लिप में देखा ना, पहले भी ले हैंड हुई और दूसरी बार भी हुई, हाँ जी। आज पूरी तरह वो कट जुड़ चुका है, कोई जख्म नहीं है, कोई कुछ नहीं है, हाँ जी चेक करवाया तो बिल्कुल ठीक। ओ तारीफ करो भाई, ये बड़ी गवाही है, ये बड़ा काम है, नहीं पहाड़ करो सकता, बड़ा काम है खुदावंद का, नेचायंगे नहीं पहाड़ करो सकता, कहीं ये जब सिवा सब कुछ हो सकता, हालेलुया कहीं ये जब सिवा
सब कुछ हो सकता, ते 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 सब कुछ हो सकता। जोर से बोल दो हालेलुया। अगर आप भी किसी दुख परेशानी या हालात में हो या दुष्ट आत्माओं से ग्रसित हो तो ये हमारे चर्च का एड्रेस है और हमारे हेल्पलाइन नंबर पर भी आप कॉल कर सकते हो। आमेन।